हाय गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है माइरस एकेडमी में और वो कैडबरी के डेली डोज में। मैं हूं विकास सर और आप सब हैं मेरे बड़े प्यारे फेवरेट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास वो कैडबरी का डेली डोज। और आज है डे 64, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो चलिए अब और देर नहीं करना है, ठीक है? 64 डेज हो चुके हैं वो कैब वो जो एग्जाम में आए। मैं रोज कहता हूँ ये बात, कोई मेरा उद्देश्य आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। जबरदस्ती का बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ वो पढ़िए जो आपके काम का। मैं भी वही पढ़ाता हूँ जो आपके काम का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो पहले मैं अपने काम की बात बता देता हूँ। देखिए, मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं अपनी बात अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक खास बात, ऑनलाइन बैच इंग्लिश का MPSI और जेल प्रहरी के लिए मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आज 3-4 दिन हो चुके हैं एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। अब आपको अगर ये टेस्ट पेपर लेना है तो आपको, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। दोस्तों, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा माइडस अकेडमी का। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, माइडस अकेडमी लिखिए। उस ऐप को ओपन करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, 7692846703। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट, अब आपका ऐप डाउनलोड हो जाए आप मुझे कॉल करिए, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा वो आपको बैच में टेस्ट कैसे मिलेंगे, आपको क्लास कैसे मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहे हैं, 25 टेस्ट है ONPSI जेल प्रहरी के लिए। उसमें हर एक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश और हिंदी के हैं, प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन में उसका आंसर भी है। उसकी कॉस्ट 299 है और बैच की कॉस्ट 700 रुपीज है। कंफ्यूज मत होइए, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करिए, नीचे स्क्रॉल पे एक नंबर चल रहा है 7692 का, इस पे आप मुझे कॉल कर लीजिए या हम आपको कॉल कर लेंगे। वैसे आप कॉल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐप तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन किसको बैच पढ़ना है, किसको टेस्ट लेना है, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। हमें आपको पूरी प्रोसेस, 1-5 मिनट की है, वो प्रोसेस बता दूंगा। आपका बैच चालू हो जाएगा, आपको ऑनलाइन एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप मत प्रोसेस करिए, बट भूलिएगा मत, मुझे कॉल कर लीजिएगा, बस इतना करिए। चलिए तो चलते हैं हम आज के वोकैब में। पहला वर्ड है इम्पॉन्डरेबल। देखो, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना या विचार करना। इम्पॉन्डरेबल मतलब जिसके बारे में आप सोच ना सको। ये इतनी हल्की या इतनी ऐसी चीज होगी, छोटी चीज होगी ना, कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे, तो उसे कहते हैं इम्पॉन्डरेबल। यार, मैं इस विषय के बारे में तो सोच ही नहीं पाया। कई स्टूडेंट सोचते हैं इंग्लिश है, निकल जाएगी, पैराग्राफ है, कर लेंगे। भाई, हल्की चीज नहीं है ये। आप उसके बारे में पॉन्डर करें, उसके बारे में थिंक करें, उसके बारे में थॉट लगाएं, थोड़ा सोचें, विचारें। इम्पॉन्डरेबल जिसके बारे में सोचा या विचारा ना जाता हो या ना जा सकता हो, जिसको आप मेजर ही ना कर पाओ, जिसको आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, जिसके बारे में आप सोच ही ना सको, उसे कहते हैं इम्पॉन्डरेबल। और इसका जो ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये हल्का होता है ना, मेजरेबल नहीं है, बहुत हल्का मान है इसका, तो ये बिग होगा, ह्यूज होगा, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो ये इसके एंटोनिम है। तो इम लगा के ये वर्ड। अच्छा, आजकल एग्जाम में एक चीज और भी है, प्रीफिक्स पूछते हैं। अब वो आपसे क्या पूछेगा, इसी क्वेश्चन में आपको पॉन्डरेबल दे देगा, ठीक है? फिर वो बोलेगा यहां पे कौन सा बढ़ाएगा, इर, इम, अन, ठीक है? अन, अन, यू एन अन, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको वर्ड लगाना है, ठीक? तो आप याद रख लो, इम्पॉन्डरेबल के लिए प्रीफिक्स क्या आता है, पॉन्डरेबल, इम्पॉन्डरेबल। इसी की जगह पे आप पॉन्डरेबल भी लिख सकते हो। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना या विचार करना। गॉट द आइडिया, आई थिंक ये समझ में आया। चलिए चलते हैं इम्पॉर्च्यून। इम्पॉर्च्यून मतलब होता है किसी बात के लिए बार बार जोर देना। माई फादर इम्पॉर्च्यून मी टू स्टडी फॉर द एग्जाम। मेरे फादर मुझे बार बार किसी बात के लिए जोर दे दे कर कह रहे थे कि तुम पढ़ाई कर लो एग्जाम के लिए। तो इम्पॉर्च्यून करना होता है बार बार किसी बात पे जोर देना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इम्पॉर्च्यून मी फॉर मनी। मेरा एक दोस्त बार बार पैसे उधार मांगने के लिए मुझे जोर दे रहा था, भाई पैसे दे दे, बहुत अर्जेंट है। तो ये जोर देना किसी बात पे, इम्पॉर्च्यून करना, इसका इसका जो एंटोनिम है वो अवॉइडेबल होगा, AVOIDABLE, अवॉइडेबल, आप जिस पे ध्यान ना दो। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इम्प्रीकेशन। ओके, कभी ऐसा काम मत करिए कि लोग आपको इम्प्रीकेशन दें, मतलब श्राप दें, आपको बुरा बोलें। तो इम्प्रीकेशन, ये उनके उनने जो काम किया ना, इसका इम्प्रीकेशन है उनके जीवन पे। तो इम्प्रीकेशन का मतलब होता है श्राप। क्या बोलते हैं, शाप या श्राप।
कर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज अ कर्स ऑफ गॉड ऑन हिम, ये ईश्वर का ही श्राप है उनके ऊपर, जबकि इसका एंटोनिम होता वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद और इम्प्रिकेशन यानी श्राप, गॉट इट। आइए नेक्स्ट, इम्प्रॉम्प्टू, अगर आपने किसी काम को इम्प्रॉम्प्टू किया तो आपने पहले से सोचा नहीं बस तुरंत कर लिया, इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन होते हैं कई कई बार, जैसे आप गाड़ी से जा रहे एकदम से सामने से कोई आ गया, डिसीजन लेना है, वो भिड़ने वाले हो, आपने कब राइट करना है, कब लेफ्ट ले लिया, कब आपने क्लच दबा दिया, कब आपने कूद गए गाड़ी से, कब कूदना, ये भी आपको तुरंत सोचना पड़ेगा, पहले से सोच के हम घर से नहीं निकलते कि लाइट लेफ्ट लाइट या करना है, ब्रेक कब लगाना है, जहां गड्ढा है वहीं ब्रेक लगाइए, सामने से कोई है तो अपने मन से वो एट द टाइम एट द मोमेंट ऑन द स्पॉट कई बार आपको सिचुएशन को डील करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू एक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट से ही निकलता है इम्प्रॉम्प्टू एक्शन, मतलब विदाउट प्रिपरेशन, इसकी आपने प्रिपरेशन नहीं की, बस आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ गया। इसका एंटोनिम होता है प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार, वेल प्लान्ड या रिहर्स, जिसकी रिहर्सल हम कई बार कर लेते हैं ना तो भी हम यूज करते हैं, तो प्रिपेयर्ड या रिहर्स हो सकता है, और इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रिपरेशन, बिना सोचे हुए। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट वर्ड पे, इम्प्रोविडेंट, आपने सुना है प्रोविडेंट फंड, आपने सुना होगा एक प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, मदर गवर्नमेंट जॉब में होगी, आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो आपको एक प्रोविडेंट फंड मिलता होगा, तो प्रोविडेंट फंड क्या, एक ऐसी निधि जो भविष्य में आपकी जो बैंक आपके जो सैलरी से कटती होगी प्लस उसमें कुछ पैसा जो है सरकार रखती है, फिर कभी आप जब रिटायर होते हो या अर्जेंट आपको जरूरत पड़ती है तो आप प्रोविडेंट फंड से भी लोन या पैसा ले लेते हो, तो प्रोविडेंट वो होते हैं जो ना सोच समझ के आगे भविष्य को सोचते हैं, लेकिन जो इम्प्रोविडेंट होते हैं उनके पास कोई भविष्य निधि नहीं होती, वो बेपरवाह होते हैं, वो लापरवाह होते हैं, नॉट थ्रिफ्टी होते हैं, इनफैक्ट पैसा संचय करके जमा करके भी नहीं रखते हैं, तो इम्प्रोविडेंट मतलब होता जो पैसे को सोच समझ के खर्च ना करता हो या जमा ही ना करता हो, इम्प्रोविडेंट, जबकि इसका ऑपोजिट होता है थ्रिफ्टी। कई बार आपने कई संस्थाओं के नाम देखे होंगे जैसे थ्रिफ्ट सोसाइटी, वो उनका मतलब है पैसे आप संचय करिए, पैसे जोड़ के रखिए, थोड़ा जमा करके रखिए, तो यदि व्यक्ति थ्रिफ्टी है तो वो पैसे जोड़ के रखता होगा, कॉशियस होगा, अलर्ट होगा, थोड़ा चिंतित होगा, अलर्टनेस होगी उसके अंदर, जागरूक होगा वो उस काम के लिए कि मुझे पैसे जोड़ के रखने हैं, तो यही इसका ऑपोजिट है, तो इम्प्रोविडेंट होता है थ्रिफ्टी ना हो, बेपरवाह लापरवाह पैसे खर्च करता हो, सेव ना करता हो, और ऑपोजिट है थ्रिफ्टी एंड कॉशियस। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इम्प्रोवाइज, वाओ ये आपने कई बार देखा होगा, ये डांस इंडिया डांस या म्यूजिक प्रोग्राम आते हैं, इसमें जैसे कोई बंदा डांस कर रहा, ब्लैक फ्लिप मारा, उसका पैर फिसल गया, अब जैसे ही उसका पैर फिसला तो उसने अपने डांस के स्टेप को ना कुछ ऐसे उठाया कि देखने वाले को लगा ही नहीं था कि उसका पैर फिसला था, लेकिन जज समझ जाते हैं, तो जज ना कई बार अपने कमेंट्स जब देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, यार आपने जो उस पॉइंट पर या उस जगह पर ये जब आपका पैर फिसला था उसके बाद आपने जो इम्प्रोवाइज किया है ना वो बड़ा गजब का था, इम्प्रोवाइज मतलब इम्प्रूव कर लिया, गिरने पर भी ये समझ में नहीं आ पाया कि बंदा गिरा था या फिसला था, वो उसने इस स्टेप को ऐसा उठाया तो लगा कि वो स्टेप का ही हिस्सा होगा, लेकिन एक्चुअली में वो गलत हो गया था उससे, जो उसने इंस्टेंटली सुधार लिया। कई बार गाना गा रहे हैं गलत सुर लगा दिया लेकिन उसके तुरंत बाद एक अच्छा आलाप लेके उस सुर को सुधार लिया, तो ये क्या हो गया, इम्प्रोवाइज कर लिया आपने, इम्प्रूव कर लिया काइंड ऑफ, तो कंपोज और परफॉर्म विदाउट प्रिपरेशन, जिसकी तैयारी नहीं थी, गिरने की तैयारी के लिए आप स्टेज पे नहीं थे लेकिन आपने अपने आप को तुरंत एट द मोमेंट सुधार लिया, ये भी कुछ अभी थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू टाइप का ही है, तो इम्प्रोवाइज का मतलब भी वैसा ही होता है, मोस्टली ये कंपोजिशन फॉर्म, डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म, आर्ट फॉर्म, इसमें ज्यादा शुरू यूज किया जाता है, या तत्कालिक व्यवस्था आप करते हो उस वक्त आप सोचते नहीं हो, तो इम्प्रोवाइज परफॉर्मेंस में ज्यादा किया जाता है, ये वर्ड और उस वर्ड में फर्क इतना ही है, बाकी इम्प्रॉम्प्टू भी वैसे मीनिंग लेता है, इसका भी ऑपोजिट वही है रिहर्स्ड एंड प्रिपेयर्ड, मतलब रिहर्सल होते हैं किसी चीज की बार बार तैयारी करना, प्रिपेयर पहले से तैयार करना, तो व्हाट ऑफ द सेम थिंग बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन इंप्रोवाइज एंड इंप्रॉम्प्टू, बस ये डांस परफॉर्मेंस इसमें ज्यादा यूज होता है, गॉट इट। आइए देख वर्ड चलते हैं इंप्यूडेंट, ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते,
ये होते हैं बेशर्म, दिलेर। दिलेर तो इसलिए मान लिया जाता है ये शब्द कि किसी के सामने कुछ भी बोल दिए, पर एक्चुअली होते तो ये बेशर्म ही हैं, इम्प्यूडेंट पर्सन है वो, या ही ऑलवेज शोज इम्प्यूडेंस विद हिज फादर, वो अपने फादर के साथ हमेशा डिसरिस्पेक्ट शो करता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आपका यदि कोई ऐसा पहचान वाला इम्प्यूडेंट है तो वो बेशर्म होगा, रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। इसका एंटोनिम होता पोलाइट, ये होता है जिसमें शर्म हो, जो नरमी से बात करे, जो शालीनता से बात करे, रिस्पेक्ट देकर बात करे, तो उसे कहते हैं रिस्पेक्ट एंड पोलाइट। गॉट इट? ये आज के बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मिस मत करिए, सिर्फ याद करिए। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनएडवर्टेंट। एडवर्टेंट मतलब होता है जो सोच समझकर सावधानी से हो, इनएडवर्टेंट यानी अचानक ही हो गया, नॉट ऑन पर्पस या एक्सीडेंटल, असावधानी से। इनएडवर्टेंट एक्सीडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज एन इनएडवर्टेंट सिचुएशन। इंडिया ध्यान दे रहा है पाकिस्तान चाइना पे, और ये नेपाल एक नई चीज लेकर आ गया मिस्टर ओली कि राम तो नेपाल के ही हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने बता दिया, नक्शा भी अपना बता दिया। हालांकि वो इनएडवर्टेंट उनसे निकल गया या उन्होंने इनएडवर्टेंट किया, मगर वो पर्पसली असावधानी से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत में आएंगे। तो इनएडवर्टेंट मतलब होता पर्पस नहीं है, जिसमें अचानक ही आप कुछ कर रहे हो, एक्सीडेंटल आपसे कुछ काम हो गया, ना जाने कि उनने प्लान किया कि नहीं किया, मुझे तो नहीं लगता है, पर ठीक है। और एक होता है इंटेंशनल, जो एडवर्टेंट है, अगर उन्होंने ये सब प्लान करके किया है, ये जानबूझकर बताया गया है कि भाई नेपाल से ही भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ, ये उन्होंने कह दिया ऐसा, तो ये इंटेंशनली किया गया या डेलिबरेटली किया गया, जानबूझकर किया गया या जानबूझकर बोला गया होगा, ताकि इससे कोई फसाद इकट्ठा हो, ताकि ताकि कोई कुछ चाइना वाइना का कुछ होगा, उनका इंटरनल मैटर, आप यहां से दंगे करवा दो, हम यहां से आपका सपोर्ट करेंगे, समथिंग कुछ भी होगा। तो इंटेंशनल काम किया, चाइना तो खैर इंटेंशनल काम करता ही है, डेलिबरेटली किसी को आप जा रहे हो, धक्का मार दिया आपने, तो आपने कहा यार तुमने जानबूझ के धक्का मारा, यू पुश्ड मी डेलिबरेटली, और इंटेंशनली आपने ये काम किया है, मतलब जानबूझकर, और इनएडवर्टेंट यानी बिना जानबूझकर, अचानक असावधानी से। गॉट इट? आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, इनएडमिसिबल। अब एडमिशन तो आपको पता है, जब हम कहीं पर किसी को एडमिशन मतलब तो स्वीकार करते हैं, एडमिशन करते हैं, अब अगर इनएडमिसिबल है तो वो अस्वीकार्य होगा। जिसको एडमिसिबल या एडमिशन, जिसने आपने सुना होगा ना, एडमिशन ना दिया जाए वो इनएडमिसिबल होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है, जिसे आप एक्सेप्ट ना करें ये होता है। तो इनएडमिसिबल यानी जिसको एक्सेप्ट ना किया जाए, ठीक है। इनएडमिसिबल क्या हो सकता है, जैसे अभी कोरोना है तो हर अस्पताल में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, और कोरोना का पूरा काम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट अस्पताल को दिया नहीं गया। अब अगर अचानक कोई जाता तो वो उनको रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोविड केयर में, तो ये इनएडमिसिबल है। सारे जो जो पेशेंट्स होते हैं वो इनएडमिसिबल हैं हर प्राइवेट अस्पताल में। या किट भी स्टार्टिंग में आई थी, जब टेस्ट हो रहे थे कोरोना के, तब भी हर जो पैथोलॉजी लैब्स होती हैं जहां पर टेस्ट के लिए होता था, इनएडमिसिबल थे, वहां पे सब लोग नहीं जा सकते थे, और उनके पास अधिकृत वो लोग नहीं थे कि आप ये टेस्ट करें, तो वो चीजें इनएडमिसिबल हो गई हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अरे बड़ी जल्दी वर्ड खत्म हो गए, तो आज आते हैं आपके आंसर्स पे जो आपने मुझे भेजे हैं। तो चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। तो इसका उल्टा होगा ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता हो। वेग मतलब ये होता है अस्पष्ट, फर्म यानी मजबूत, पुअर यानी बेचारा गरीब। रेस्टिव का मतलब होता है अशांत, बेचैन, अनरिस्ट्रेंड, जिसको कंट्रोल का ना जा सके। कम्युनिकेट यानी वार्तालाप, क्वेरल झगड़ा, डिस्टर्ब, आपको पता है। तो रेस्टिव यानी बेचैन, तो इसका उल्टा होता है चैन यानी पीसफुल यानी शांति। गॉट इट? कैटापुल्ट आपको पता है, कैटापुल्ट होता है गुलेल, गुलेल को समझते होंगे, आपने कंसर्ट देखा होगा, एक होता है ना ऐसा वाई जैसा बना होता है, इसमें एक रबर बैंड लगी होती है, फिर आप इसे पीसते हो वो आगे जाता है, तो वो गुलेल को कैटापुल्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कैटापुल्ट। तो गुलेल क्या करता है, खींच के आगे बढ़ता है ना, तो इसलिए इसका जो ऑपोजिट है ना वो डाउनफॉल होता है, क्योंकि वो आगे ना बढ़ के नीचे जाएगा, इसलिए कैटापुल्ट का उल्टा डाउनफॉल, कैटापुल्ट का उल्टा डाउनफॉल। गॉट द आइडिया? ग्रेट रीच यानी दूर तक जाना, ये तो सिनोनिम हो गया। कैटरपिलर तो एक कीड़ा होता है। गेनिंग यानी प्राप्त करना, लूजिंग यानी हार जाना, जबकि कैटापुल्ट आगे की तरफ जाएगा तो डाउनफॉल नीचे की तरफ आएगा, इसलिए इसका एंटोनिम है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे के वर्ड देख लीजिए, इसके आंसर आपको मुझे भेजने हैं, और
बढ़िया मेहनत कीजिए, इसके आंसर आप मुझे भेजिए। वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स अब जुड़ते जा रहे हैं, वो कैटगरी का डेली डोज को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर फिर भी मुझे एक महसूस होता है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो। दोस्तों इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, कम से कम मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ आपको आगे बढ़ाने की, आप मेरा एक काम कर दीजिए, इतना आपको करना चाहिए। बीइंग अ माई वेरी गुड फ्रेंड, बस शेयर करना है। मैं तो लाइक करने को भी नहीं बोलता हूँ, ना आप मुझे कमेंट करिए, मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। लाइक वाइक तो ठीक है, बस शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाऊँ। ठीक है, तो आज 64 डेज, मैं एम वेटिंग फॉर योर सीरियस कंसर्न अबाउट दिस एजुकेशनल चैनल। आपसे मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि इसको आग की तरह फैला दीजिए। और हाँ, जिनको एडमिशन लेना है, ऐप डाउनलोड करके उसमें खोजिएगा, कुछ नहीं आपको नहीं दिखेगा, आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। आप बस मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपके सारे काम करवा दूंगा। 5 मिनट्स का काम होता है और टेस्ट और बैच दोनों चालू। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए जोश जुनून के साथ। चलिए बाय बाय।